नमस्कार, मेरा नाम है सुमित सिंह मेहता। आज हम पढ़ेंगे कि हम कब कहेंगे कि हमारे पास जो तीन वेक्टर हैं वो कोप्लेनर हैं। ठीक, तो हमारा सीखने का जो क्या सीखेंगे आज हम, सीखेंगे कि हम किस तरीके से या कब कहेंगे कि हमारे पास जो तीन वेक्टर जो हैं वो कैसे हैं, कोप्लेनर हैं। ठीक, तो एक छोटे से कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। हमने मान लिया हमारे पास तीन वेक्टर हैं, वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, और लेट कर लिया ये कैसे हैं, कोप्लेनर वेक्टर हैं। अब कोप्लेनर वेक्टर का मतलब क्या हुआ, जैसे कि नाम से पता चल रहा है कोप्लेनर, यानी ये तीनों वेक्टर, वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी कहाँ हैं, एक सेम प्लेन में हैं। ठीक, ओके, लेट अस कंसीडर कि हमारे पास एक क्या है, प्लेन है, कुछ इस तरीके का प्लेन है हमारे पास, और ये तीनों वेक्टर इस प्लेन में हैं। ठीक, लेट कर लिया मैंने, ये कोई एक वेक्टर ए है इस तरीके से, इसे मैंने क्या कह दिया, वेक्टर ए बोल दिया, और लेट कर लिया ये कोई क्या है, वेक्टर बी है, और ये क्या कैलकुलेट कर लिया मैंने, ये क्या है, कोई एक वेक्टर सी है, और कंडीशन क्या है कि ये वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी तीनों कहाँ हैं, सेम प्लेन में हैं। ओके, नाउ अब मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर, सबसे पहले मैं यहाँ पर वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी निकालता हूँ। क्यों निकाल रहे हैं अभी पता चल जाएगा आपको। तो सबसे पहले क्या कर लेते हैं हम, यहाँ से वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी निकाल लेते हैं। अब हमको पता है कि जब भी हम दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं तो हमारे पास क्या मिलता है, हमको एक नया वेक्टर मिलता है जिसकी डायरेक्शन वेक्टर बी और वेक्टर सी के कैसे होती है, परपेंडिकुलर होती है। नाउ अब अगर हम इस प्लेन की बात करें, जो प्लेन हमने बना रखा है, यहाँ पर परपेंडिकुलर ऐसे भी हो सकता है और वो ऐसे भी हो सकता है। ठीक, जैसे ये प्लेन है, अब इस प्लेन में परपेंडिकुलर ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। नाउ क्वेश्चन है, जो बी क्रॉस सी करने के बाद जो नया वेक्टर आएगा वो कहाँ की ओर होगा, ऐसे होगा या ऐसे होगा। आंसर बड़ा सिंपल है, हम क्या करेंगे यहाँ पर, राइट हैंड रूल निकालेंगे, लगाएंगे। हमको निकालना क्या है, बी क्रॉस सी, ये अगर मेरा बी है और ये सी है तो बी क्रॉस सी क्या हुआ, ऐसे, बी क्रॉस सी, बी क्रॉस सी यानी किस डायरेक्शन में, ऊपर को, यानी अपवर्ड डायरेक्शन में, यानी बी क्रॉस सी करने के बाद जो नया वेक्टर आएगा उसकी डायरेक्शन कैसे होगी, इस तरीके से होगी, यहां पर ऐसे, और ये कौन सा वेक्टर आया मेरे पास, वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी, और लेट कर लिया इस वेक्टर का नाम क्या है मेरे पास, वेक्टर डी है। ओके, तो बी क्रॉस सी मैं लेट कर लिया, कितना है मेरे पास, एक नया वेक्टर है जिसका नाम क्या बोल दिया मैंने, वेक्टर डी बोल दिया। नाउ अब अगर मैं, ये जो वेक्टर डी होगा इस पूरे प्लेन के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि ये बी और सी के परपेंडिकुलर है, और बी और सी दोनों कैसे वेक्टर हैं, कोप्लेनर वेक्टर हैं, यानी दोनों ये सेम प्लेन में हैं, यानी जो वेक्टर डी होगा इस पूरे प्लेन के कैसे होगा, परपेंडिकुलर होगा, तो ये वेक्टर डी इस वेक्टर ए के भी कैसे होगा, परपेंडिकुलर होगा, यानी ये जो एंगल होगा यहाँ पर ये कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा, किस किस के बीच, इस वेक्टर डी और वेक्टर ए के बीच। नाउ अब मैं क्या कर रहा हूं, इस वेक्टर ए का इस वेक्टर डी के साथ क्या निकाल देता हूं, डॉट प्रोडक्ट निकाल देता हूं। ठीक, अगर मैं यहां से ये बोलूं वेक्टर ए डॉट वेक्टर डी, तो इक्वल टू क्या होगा, मॉडुलस ऑफ ए इंटू मॉडुलस ऑफ डी, या मैग्नीट्यूड ऑफ डी इंटू कॉस, इन दोनों के बीच का एंगल कितना है वो 90 डिग्री, और हम जानते हैं कॉस 90 कितना होता है, जीरो होता है, तो ये पूरी क्वांटिटी कितनी आ जाएगी, जीरो आ जाएगी। तो मैं ऐसे क्या लिख सकता हूँ, यहाँ से मैं ए डॉट डी इज इक्वल टू जीरो। अब डी कितना है मेरे पास, बी क्रॉस सी है, तो एक इसे क्या लिखता हूँ मैं, ए डॉट बी क्रॉस सी, ओके, इज इक्वल टू जीरो। अब मैं अगर ये जो मेरे पास यहाँ पर बन के आया, अगर मैं इसके लेफ्ट हैंड साइड को देखूँ, इस साइड को देखूं, तो इस साइड को देखते ही मुझे एक चीज याद आनी चाहिए, वो चीज क्या है कि ये जो पूरा यहाँ पर कैलकुलेशन आ रखा है ये किसके बराबर होता है, किन्हीं तीन वेक्टर के स्केलर प्रोडक्ट के बराबर होता है, यानी ए डॉट बी क्रॉस सी क्या है, ए बी और सी का क्या है, स्केलर प्रोडक्ट है। तो मैं क्या कह सकता हूँ यहाँ से, मैं कह सकता हूँ अगर मेरे पास तीन वेक्टर हैं ए बी सी, और तीनों कैसे हैं, कोप्लेनर हैं, तो उनका स्केलर प्रोडक्ट कैसा होता है, जीरो होता है। ओके, तो इस तरीके से हम क्या कह सकते हैं कि अगर हमारे पास तीन वेक्टर हैं और तीनों वेक्टरों का जो स्केलर प्रोडक्ट है वो क्या कितना है, जीरो है, तो मैं क्या कहूँगा, वो वेक्टर कैसे हैं, कोप्लेनर वेक्टर हैं। ठीक,
ये बात समझ में आई ना। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन को देखने की कोशिश करते हैं और इसमें और इसको थोड़ा बहुत क्लियर करने की कोशिश करते हैं ना। क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन है कि वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी, हमारे पास तीन वेक्टर हैं। वेक्टर ए की वैल्यू दे रखी है आई प्लस जे प्लस के, वेक्टर बी की वैल्यू दे रखी है 2i-4k और वेक्टर सी की वैल्यू दे रखी है आई प्लस का लैम्डा जे प्लस का 3k। और क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा इफ ए बी सी आर कोप्लेनर, यानी कि जो लैम्डा यहाँ पर जो वेरिएबल है, इस लैम्डा की वैल्यू निकालनी है कि जब वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी कैसे हैं, कोप्लेनर हैं। अब ये हमने निकालना सीखा है कि किस तरीके से हम ए डॉट बी क्रॉस सी निकालेंगे पिछले वाले लेक्चर में। तो ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या कर दूंगा, वेक्टर ए बी और सी का स्केलर प्रोडक्ट निकाल दूंगा। तो कैसे निकालूंगा देखो, तो बड़ा आसान है निकालना। सबसे पहले क्या करूंगा मैं, यहाँ से वेक्टर ए डॉट बी क्रॉस सी निकाला और इक्वल टू किसके बाद, डिटर्मिनेंट ऑफ इन सब के कोफिशेंट, आई का कोफिशेंट, जी का कोफिशेंट, के का कोफिशेंट कितना है, आई का कोफिशेंट 1, जी का कोफिशेंट 1, के का कोफिशेंट 1। अगर ये कहाँ से आया समझ नहीं आ रहा है, तो इससे पिछले वाला लेक्चर में हमने ये सॉल्व करने की कोशिश की है कि किस तरीके से हम किन्हीं तीन वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। सिमिलरली बी में आई का कोफिशेंट 2, जे तो है ही नहीं, तो जे का कोफिशेंट 0, फिर के का कोफिशेंट कितना आ गया, -4। सिमिलरली सी में सबसे पहले आई का कोफिशेंट 1, फिर उसके बाद जे का कोफिशेंट कितना है, लैम्डा, फिर के का कोफिशेंट कितना है हमारे पास, 3। और ये इक्वल टू किसके बराबर होगा, 0 के बराबर, क्योंकि कंडीशन दी हुई है, क्या कंडीशन दी हुई है, ए बी सी आर कोप्लेनर, इफ ए बी सी आर कोप्लेनर देन दियर स्केलर प्रोडक्ट इज 0। ओके, नाउ इसी को क्या कर दूंगा मैं, सॉल्व कर दूंगा। तो कैसे सॉल्व होगा, बड़ा आसान है, एज पर फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग कर दें तो कितना आ जाएगा देखो, 1 × 0 प्लस का 4 लैम्डा, फिर कितना आया, फिर -1, दिस वन कितना आया, 3 × 2 = 6 एंड -, +4, फिर क्या आया, प्लस का 1 कितना आ गया इधर, ये 2 लैम्डा एंड -0 = 0। ओके, आपको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा देखें, 4 लैम्डा - का 6 + 4 = 10 एंड प्लस का कितना आ गया इधर पर, 2 लैम्डा। ओके, इसको थोड़ा सा हम सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा देखो, 2 4 + 2 कितना हो गया, 6 लैम्डा - 10 = 0, ये 10 इधर माइनस को प्लस का हो जाएगा तो कितना आ गया, 6 6 लैम्डा = 10 एंड लैम्डा = 6 सॉरी 10 / 6, ये कैंसिल आउट होगा 5 से और ये 3 से, तो लैम्डा इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास, 5/3। ओके, यानी अगर मैं यहाँ पर लैम्डा की जगह 5/3 रखूँ तो ये पूरा कितना हो जाएगा आंसर, 0 हो जाएगा। या ये बोलूँ जो इस वेक्टर सी है, यहाँ पर जे का कोफिशियंट अगर 5/3 हो या 5/3 हो, तो ये पूरा जो जो तीन के तीन वेक्टर होंगे ए बी सी, वो कैसे होंगे, कोप्लेनर होंगे। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं कि नहीं भी, अगर हमारे पास तीन वेक्टर दिए हुए हैं ए बी सी, हम अगर उनमें से कोई एक वेरिएबल हमको फाइंड करना है तो हम उसको वेरिएबल क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पर एक टाइप का क्वेश्चन और आ सकता है, बोल सकता है आपको तीन वेक्टर दे देगा और कहेगा सो दैट दीज 3 वैक्टर आर कोप्लेनर, कैसे फाइंड करोगे, तो निकालना बड़ा आसान है, उन सबके वेरिएबल ऐसे पुट करोगे, अगर उसका डिटर्मिनेंट ऐसे निकालोगे, डिटर्मिनेंट कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए, या सिंपल शब्दों में बोले तो उन तीनों वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट कैसा आना चाहिए, 0 आना चाहिए, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कैसा आना चाहिए, 0 आना चाहिए, तब हम कह देंगे कि वो तीनों वेक्टर कैसे हैं, कोप्लेनर है। अगर नॉन जीरो आ रहा है तो वो कोप्लेनर नहीं है। तो आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वाले में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।